हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा गुसाई और आप सबका स्वागत है मेरे देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के सुंदर से जुई गाँव से। तो आज के मौसम के मिजाज देखिए, तो आज का मौसम थोड़ा सा खुल गया है जो, और अच्छी सी धूप आ गई है। और इधर देखिए, वहाँ पे हमारे नए घर पे अभी काम चल रहा है, तो यहाँ से पुराने घर से नया घर भी दिखाई दे रहा है। तो गांव के इस समय देखिए, ऐसा लग रहा गांव में कोई नहीं होगा, लेकिन सब अपने काम पे गए हुए हैं। और जो लेडीज़ जंगल को जाते हैं तो वो अभी अभी निकले हुए हैं जंगल के लिए, और कुछ लोग अभी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज है इगास पर्व की छुट्टी, तो आप सबको भी इगास की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये मैंने फूल रखे हुए हैं और ये आज इगास है, तो इगास की तैयारी हो रखी है दिया जलाने की। सबके सब अपना अपना काम कर रहे हैं और वहाँ मकान पे भी अपना काम चल रहा है। और ये पत्ता गोभी भी लगाने हैं, तो फटाफट से अभी, मतलब मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, और पम्मी भी ले गया अपना घोड़ा। कहाँ ले जा रहा है पम्मी, कहाँ ले जा रहा है इसको घुमाने के लिए? पम्मी घोड़े को घुमाने के लिए ले जा रहा है, ये बोर हो रहा है बस काम नहीं होगा तो बोर नहीं होगा घोड़ा। हम जा रहे हैं खेत में और थोड़े से आलू निकालते हैं, अज्जू की हेल्प की जाए, और उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है अभी। और यहाँ पे देखिए, लौकी का बेल बहुत ज़्यादा फैल रखा है और काफ़ी टाइम से इस पे लौकी लग रहे हैं। और अज्जू ने तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लेके आ रखा है, मतलब खेत में काम करते करते गाने भी सुने जा रहे हैं, वो भी बहुत पुराने पुराने गाने। देखो ये सारे गामा चल रहा है अज्जू का, हाँ हाँ मस्त गाना। इसमें कितने गाने हैं अज्जू? बहुत सारे गाने रहते इसमें हैं, 3000। और यहाँ देखो खेतों में जो भी उगाए हैं, जौ और सरसों के जो बीज बोए हैं वो भी होने लग गए हैं। कितने आलू निकाल दिए? 4 किलो, 5 किलो? अबे फोन कैसे रखा उसने वहाँ, दे मिट्टी में। अब एक और आ गया, हाँ देखो। और देखे कूड़ा निकालते हुए प्याज के बीच से, कूड़ा नहीं ये खेड़ है, खेड़ खेड़ मतलब खेड़। अब प्याज भी ढंग से नहीं हो रखे हैं, एक कारीगर और आ गया। ये मधुमक्खी हाथ पे क्यों बैठ रही है? अरे देख कुछ नहीं करूं। हां आराम से आराम से। हेलो बच्चों, इसने कान बंद क्यों कर रखे पहले ही? अच्छा पहले तुम ये बताओ, तुम्हें छुट्टी किस चीज की मिली आज बताओ जरा? दिवाली। दिवाली की छुट्टी है? कौन सी दिवाली आज? बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली, बूढ़ी दिवाली मतलब एक दिवाली हमने पहले मनाई और एक दिवाली अब मनाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली, और इसको ईगास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईगास। प्यू आजा, अबे नहीं फोड़ेंगे हम, अभी नहीं फोड़ेंगे, है ना? तो बोलो हैप्पी ईगास। आजा, हैप्पी ईगास। पटाखों से डर लग रही है ना? पहले हमने दीपावली मनाई थी ना, तो उस दिन सबको पता चल गया कि मतलब भगवान जी क्या आ गए हैं वनवास से,
वापस आ गए घर को, ठीक है। और कुछ जगह उत्तराखंड में ऐसे हैं जहाँ की लोगों को पता ही नहीं चला कि भगवान जी आ गए हैं, तो उनको पता नहीं चला तो उन्होंने दीपावली नहीं मनाई, तो उसके बाद 10 दिन बाद उनको पता चला तो आज उनको फिर से दीपावली मनाने का अवसर मिला और उन्होंने क्या किया, तब दीपावली मनाए। इसको क्या बोलते हैं, बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं, ठीक है, और इगास भी बोलते हैं, है ना। हो गया देखो जरा मेरे को एक कंदूर बजा दो, मैं बजा, हाँ बजा। जो दूसरा पटाखा फोड़ दे वो बूम, अबे दो डिब्बे फोड़ दिए। सुरभि कितनी दूर भाग गई डर के मारे, डुगो दोबारा आ गई सुरभि, अभी इसके पीछे से लगाऊंगी मैं, रुक जा। तीयो इधर दिखाइयो, इधर आ जाओ, अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा पानी में। थैंक यू। अच्छा। नाचो।